सर जी, वो मैंने कह रहा था कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमने ऐसा मटीरियल इसके अंदर ऐड किया हुआ है सही, कि आप अगर कहीं पर स्वेलिंग हो रही है, चेहरे पे है, कहीं पर भी है, तो उसको जो है ना ये रिलीफ दे। सही जी जी, राइट, थैंक यू। इसको एक्सपेरिमेंट आपने किया है? जी जी, वेरी नाइस। ये बना के 3-4 दिन हमने रखी इसको, फिर बच्चे से यूज़ करते रहे हैं, उसका भी हमने लेदर फोम वगैरह सब कुछ चेक किया है, वॉन्ड्स को लगा के देखा है, कोई ऐसी कोई इरीटेशन तो नहीं हो रही, कोई रेडनेस तो नहीं हो रही, कहीं पर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। इसको हमने बनाया कि ये आपके पास सन बैरियर है, सन ब्लॉक के तौर पर यूज़ करती है, मुख्तलिफ जो वेदर हैं उनको बैरियर के तौर पर यूज़ होती है, मतलब आपके पास किसी चीज़ का इफेक्ट भी नहीं होने देती अगर आप अप्लाई करते हैं इसको। That's nice. ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सपोर्ट कर सकती है। हाँ जी माशाल्लाह, इसका मतलब इतने ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है उनसे। That's nice. Good, okay. आप इसका फार्मूला तो शेयर करेंगे, यानी कम से कम ये प्रोडक्ट जो है ये तो आप इजीली बता सकते हैं या इसकी मार्केट कर सकते हैं? जी हाँ, वो तो हम कर सकते हैं, इन्ग्रीडियंट्स इसके ऊपर तो लिखे होंगे सब कुछ, वो जो प्रॉपर रेसिपीज हमने जो यूज़ की हैं वो तो नहीं ना एग्जैक्ट बता देंगे जी। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर। वेलकम। केमिस्ट्री प्रोजेक्ट डिस्टिलेशन ऑफ, सर ये है वाटर डिस्टिलेशन प्लांट। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि ये है स्प्रिट लैंप हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हम इसको हीट करेंगे इस तरह। यहाँ से हमने इसको हीट किया, ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें हमारे पास है पोटेड वाटर, डर्टी वाटर जिसको कहते हैं, ठीक है। ये जब इसको हीट करेगा तो ये एवेपोरेट होकर, वाटर एवेपोरेट होकर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वेपर्स की फॉर्म में चेंज होकर ये आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर एक ग्लास रॉड लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रॉकेट। ये रॉकेट होगा, यहाँ से आकर वेपर आएंगे, इधर आकर कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। कंडेंस होकर जब दूसरे वेपर्स आएंगे वो उसको पुश करेंगे पीछे से, जो पहले वाले कंडेंस होंगे वो आकर यहाँ पर डिस्टिलेट हो जाएंगे, प्योर वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक। इसका सबसे पहला यूज़ ये है कि सर इसको हम ड्रिप वगैरह का जो वाटर होता है ड्रिप के टाइम, उस टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसको लगाते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम जब हम इसमें कोई मिनरल वगैरह मिलाएंगे, साल्ट वगैरह मिलाएंगे तो हम इसको पी सकते हैं। तीसरा ये है कि जब हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए ये हम डिस्टिलेट वाटर यूज़ होता है। चौथा ये है कि जितने भी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं उसको बनाने के लिए ये डिस्टिलेट वाटर यूज़ होता है। और पांचवा इसका ये है कि जितने भी लेबोरेटरीज में हम रिएक्शंस करते हैं उसमें ये हम डिस्टिलेट वाटर यूज़ करते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके, रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाए और अच्छे से अच्छा रिएक्शन।